क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस इज अ क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेड अटेम्प्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग। इटियोपैथोजेनेसिस देख लो, इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस के बेस्ट पे दो टाइप के क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस है। पहला है रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी एंड सेकेंड इज ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस। रिफ्लक्स में होता है वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लक्स होता है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस का एक टाइप है। और सेकेंड इज ऑब्स्ट्रक्टिव यूरो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है यूरेटर में। अब मॉर्फोलॉजी देख लो, मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे, ग्रॉसली देखेंगे तो किडनी स्मॉल और कॉन्ट्रैक्टेड है, उसका वेट 100 ग्राम से कम है, अनइक्वल रिडक्शन हम देख सकते हैं, सरफेस इरेगुलरली स्कार्ड है, कैप्सूल किडनी के कैप्सूल इन कार से एडर्ड है इसलिए हम इसको इजिली स्ट्राइप अप नहीं कर सकते, स्कार की साइज वेरिएबल है और जो यू शेप डिप्रेशन बनाते हैं इस कॉर्टिकल सर्फेसिस पे। कैलेसेस देखेंगे किडनी के अंदर के तो वो डायलेटेड है और पेल्विस भी किडनी का काफी डायलेटेड होता है। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की आप माइक्रोस्कोपिक अपेयरेंस देख लो। पहला अगर हम इंटरस्टिशियम देखेंगे तो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देख सकते हैं, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है, लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स प्रोमिनेंट है। दूसरा अगर हम ट्यूबुल्स देखेंगे तो हम देख सकते हैं एट्रोफी है और डायलेटेशन है, डायलेटेशन के अंदर हम देख सकते हैं कोलोइड कॉस्ट एक्युमुलेट इओसिनोफिलिक हुई है तो उसे हम थायरोडाइजेशन भी बोल सकते हैं और न्यूट्रोफिल्स भी कुछ ट्यूबुल्स में दिखाई देती है। तीसरा अगर हम पेल्विक कैलेसियल सिस्टम देखेंगे तो वॉल ऑफ द रीनल पेल्विस और कैलेसिस डायलेटेड है, उनके वॉल्स में मार्केट क्रोनिक इन्फ्लामेशन की सेल्स और फाइब्रोसिस दिखाई देती है, वॉल में लिम्फोइड फॉलिकल्स विद जर्मिनल सेंटर भी दिखाई दे सकते हैं और जो लाइनिंग एपिथेलियम है वो स्क्वैमस मेटाप्लास्टिक चेंजेस हो चुके हैं उसमें। चौथा अगर हम ब्लड वेसल्स देखेंगे जो स्कार एरिया में इंटरैप्ट है वो दिखाते हैं ऑब्लिट्रेटिव एंडराइटिस और हाइपरटेंसिव चेंजेस भी दिख सकते हैं विथ हाइलेनाइज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। पांचवा अगर हम ग्लोमेरुलर देखेंगे तो स्कार एरियाज में यूजुअली इंटैक्ट होती है लेकिन अगर क्रोनिक केसेस में देखेंगे तो हाइलेनाइज ग्लोमेरुलर देखने को मिल सकती है एंड ऑल्सो देर इज पेरी ग्लोमेरुलर फाइब्रोसिस।